अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इश्फाक टीवी। आजकल लोग इस बात पर परेशान है कि सऊदी अरब कब फ्लाइट चलाएगा, और ज़्यादा मीडिया पर शोर है कि 3 अगस्त को फ़्लाइट खुल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी अखबार रोजनामा के स्क्रीनशॉट फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर हो रहे हैं, और जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं उनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और बस वो अपने व्यूज़ के चक्कर में आवाम को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं जनाब आला, असल ख़बर ये है कि सऊदी अरब 3 अगस्त को इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू कर रहा है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के लिए नहीं। जो फ़्लाइट अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी वो बरतानिया के लिए है। सऊदी एयरलाइन सऊदी अरब में फंसे शहरी बरतानियों को बरतानिया ले जाएगी और वहाँ से फंसे हुए सऊदियों को वापस लेके आएगी। पहले ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया, और फिर सऊदी की वेबसाइट चेक की और उस पे वाज़े पैगाम लिखा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप क्लियर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये मेंशन सिर्फ ब्रिटिश सिटीज़न के लिए है, और बदले में वहाँ से सऊदी शहरी वापस आएंगे। तो जिस बंदे ने ये खबर टाइमलाइन पर शेयर की, फालतू में अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, उस तक ये पूरी खबर पहुँची होगी, लेकिन उसने अपने मतलब की बात निकाल दी और सोशल मीडिया पर लगा दी और लोगों को परेशान कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है, लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों असल हकीकत ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ बरतानवी शहरियों को आने जाने की इजाज़त मिली है, और किसी मुल्क को इजाज़त नहीं मिली है, और हज पर ख़ास स्पेशल बंदोबस्त किया गया है। सिर्फ 10,000 लोग हज करेंगे, और उनके खाने पीने का पूरा सिस्टम होटल्स पर किया गया है, और बहुत ही सख्त सिक्योरिटी सिस्टम किया गया है। लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अगस्त के आखिरी हफ्ते तक या सितंबर में शुरू हो जाएंगे, तमाम मुल्क की फ़्लाइट ऑन हो जाएंगे, और सारे दोस्त जो बाहर रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह सऊदी आ जाएंगे, और आप दोस्त परेशान नहीं हो इंशाल्लाह। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।